अगर कोरोना संक्रमण की जांच की बात करें तो अस्पताल डॉक्टरों से लेकर सुरक्षा के सामान की कमी से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए बिहार के सिवान में झोला छाप डॉक्टरों की सेवाएं लेने का आदेश जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ब्लड बैंकों में खून का संकट गहराने लगा है। पखवाड़े भर से अधिक का समय हो गया है जब से ब्लड डोनेशन कैंप्स बंद हैं। इसके चलते सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंक्स में खून की कमी होती जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में जिला अस्पताल प्रशासन ने खून की कमी के कारण फ्री ब्लड देने पर तत्काल रोक लगा दी है। खून की कमी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में फिलहाल 5 यूनिट ब्लड ही बाकी है, जबकि इसकी क्षमता 250 यूनिट की है और औसतन 100 यूनिट ब्लड रिजर्व में रखा जाता है। प्राइवेट ब्लड बैंक्स का भी यही हाल है। आभा ब्लड बैंक में मौजूदा समय में सिर्फ 12 यूनिट ब्लड ही बचा है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कुणाल जी, जो कि बिहार में CPIML के राज्य सचिव हैं। उनसे बातचीत करते हैं, मजदूरों की क्या स्थिति है। कुणाल जी, ये बताइए, जिस तरह से तमाम तरह के निर्देश आए, पहले केंद्र सरकार की तरफ से, फिर राज्य सरकार की तरफ से, सबने तस्वीरें देखी आनंद विहार बस अड्डे पे, किस तरह से तमाम मजदूर, चाहे वो बिहार के हों या दूसरे राज्यों के, किस तरह से वो इकट्ठा हुए, अपने अपने घर जाने की जद्दोजहद में रहे। अब उसके बाद प्रशासन ने बोल दिया है, यूपी सरकार ने और बिहार के जो नीतीश सरकार है, कि बॉर्डर सील कर दिए जाएं, जो जहां है उनको वहीं खाने पीने की रहने की व्यवस्था की जाए सरकारी गवर्नमेंट फैसिलिटी में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ, समन्वय की कमी, इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया? जी देखिए, मोदी जी का जो पूरा का पूरा अप्रोच था वो हम समझते हैं काफी गैर जिम्मेदाराना और क्रूर था। बगैर किसी कोई मैंने होमवर्क के और उसके लिए एक बेहतर तैयारी के उन्होंने इसकी अचानक जो है घोषणा कर दी और 4 घंटे के भीतर लोगों के लिए अब लॉकडाउन हो गया सब कुछ। ये सबसे बड़ी अफरा तफरी का कारण हम समझते हैं कि यही रहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए देश से माफी भी मांगी और समझती हूँ कि जितना बड़ा देश है, जितनी आबादी है, उसमें कई तरह की चुनौतियां रही होंगी। नहीं नहीं, वो तो माफी मांगने से नहीं, समस्या तब हल नहीं ना था। आपको पहले बिना माफी मांगे आपको पहले सोच लेना चाहिए था कि हमारे घोषणा करने से क्या क्या चीजें होने वाली है और उसको एक पहले से ही उसका अनुमान लगा करके उसके हिसाब से आप जो है कोई तैयारी करके, तो ये इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। एक नोटिफिकेशन ये भी देख रहे हैं कि इस तरह की बात सामने आई है कि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनको भी टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा की जरूरत पड़ेगी। कितना सही मानते हैं आप, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, क्या हम उस दिशा में कुछ ठोस काम कर पा रहे हैं? देखिए, बिहार में तो स्वास्थ्य सेवाओं की और बुरी स्थिति है। अब यहाँ पर जो WHO कहता है कि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर चाहिए, बिहार में 23,000 से ज्यादा आबादी पर एक डॉक्टर है और इतनी बड़ी आबादी यहाँ है कि उसको हैंडल करने का इनके पास में कोई सेटअप सिस्टम नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने झोला छाप डॉक्टरों के बारे में सोचा है तो हम समझते हैं कोई बुरा नहीं है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके उनसे जो कम से कम प्राइमरी काम उनसे तो लिया ही जा सकता है। जी, एक और बात बताएं कि जो संक्रमण का खतरा है, इसके बीच जिस तरह से हम देख रहे हैं बिहार में एक फ्यूडल सोसाइटी भी रही है, जो सामाजिक बहिष्कार की और गुंडागर्दी की भी कुछ खबरें आ रही हैं। लोग अपने अपने गांव में बाहर से आ रहे अपनों को ही आने में मना कर रहे हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, इसका किस तरह से इसको हैंडल किया जाना चाहिए सेंसिटिवली? देखिए, हमने अपने तो ये बात से बता रही है कि जो गांव के जो कुछ फ्यूडल और जनविरोधी तत्व हैं, उन्होंने उनको एक मौका मिल गया है गरीबों को सताने का और गरीबों में ही झगड़ा लगाने का। गांव के लोगों को वो गरीबों के खिलाफ ही खड़ा करने में लगे हुए हैं। ये तो बहुत ही गलत है और हम अपने संगठन के भी इसको हैंडल कर रहे हैं और सरकार से भी हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करें। गाँव में वो आते हैं, उनका वो गाँव है, उनको गाँव में आने का हक है, उनके लिए आइसोलेशन की व्यवस्था हो, उनको खाने रहने की व्यवस्था, सामुदायिक भवन हो या कोई जगह की व्यवस्था की जाए। हमने अपने संगठन के साथियों से भी कहा है कि उनको अलग से रखा जाए, लेकिन इस किस्म की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। सरकार इसी ढंग से
स्पेशल फोर्सेस करते हैं। और अलग अलग राज्यों से अभी भी मजदूरों के फंसे रहने के वीडियो सामने आ रहे हैं, आपका भी जो पूरी टीम है वो इस तरह के मजदूरों को मदद करने में लगी हुई है, किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतें? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो लोगों के सामने खाने की हो गई है। घर से लोग निकाल दे रहे हैं, भोजन नहीं, अब क्या करें। और सरकार की घोषणाबाजी तो बहुत हो रही है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। अब बिहार में ही देख लिया जाए, सरकार को ने घोषणा किया है कि हम जो है राशन देंगे, हम जो है पैसा देंगे, लेकिन कभी कहीं भी कुछ नहीं पहुंचा है। हम लोगों ने सरकार से कहा कि भाई, जो एक आम समय में जो नियम है कि राशन की दुकान पे लोग जाएंगे, आप पेंशन भेजेंगे तो बैंक में जाएंगे, ये सही नहीं है। इसमें भी क्राउडिंग होगी और जो है संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। आपको चाहिए कि गरीब मोहल्लों में बिना ये देखे हुए कौन एपीएल है, बीपीएल है, सबको राशन और पैसा बांटिए और जरूरी का जो सामान है सब दीजिए। एक लड़का आरा में 12 शहर जो है वहां जवाहर टोला का लड़का 11 साल का, कहे कि 3-4 दिन से उसके घर में खाना नहीं बना था और इसी बीच में उसको बुखार हुआ और लड़का मर गया। सरकार ने अंत्येष्टि, कबीर अंत्येष्टि वाला पैसा तक नहीं दिया, कोई सुविधा तक नहीं है। हमको फोन करते हैं तो फोन तक लोग रिसीव नहीं करते, जवाब नहीं देते, तो ये कौन सा रवैया है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी इस अहम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ बात यही है कि जो लोग अब फंसे हुए हैं कोरोना के संकट के समय, मानवता का धर्म लोग निभाएं और सामने आए मदद करने के लिए, लेकिन साथ ही सारी जो तमाम एहतियातें हैं उन एहतियात को बरतते हुए मानवता का धर्म ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। जी, धन्यवाद।